नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको बड़े ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो उसमें आपको अपने घर के मध्य भाग के बारे में जरूर सोच विचार कर लेना चाहिए। जब आप अपने घर का नक्शा बनवाएं तो उसमें ध्यान रखें कि आपके घर के अंदर जो घर का मध्य भाग है उसके अंदर कोई भी पिलर ना आए। दूसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है वो घर के मध्य भाग में कभी भी सीवरेज लाइन क्रॉस ना हो। घर के मध्य भाग में कभी भी मेन होल नहीं बनना चाहिए। ऐसा होने से वास्तु दोष बन ही जाता है, क्योंकि आज के समय में जब घर बनाया जाता है तो कोशिश की जाती है कि जो घर का मध्य भाग है उसको हमेशा ही सेंटर में रखा जाए, बीच में रखा जाए, यानी जो आपकी बनी हुई बिल्डिंग है, जो आपका स्ट्रक्चर बनता है उसके बीच के भाग में ही रखा जाता है। और बीच के भाग में से आपको सिर्फ एक ही बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो आपके यहाँ सीवरेज लाइन है, जो पाइपलाइन है, वो आपके घर के मध्य भाग से क्रॉस होकर ना जाए। इस बात का आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर का मध्य भाग सही हो जाता है। अब इसी के साथ मैं आपको कुछ बातें और बताने जा रहा हूँ, उसमें आपको घर के मध्य भाग में किन किन विशेष बातों का और ध्यान रखना है। सबसे पहले तो घर के मध्य भाग में ना तो कोई पिलर आना चाहिए, ना ही आपने स्टेयर्स बनानी है, और ना ही आपने टॉयलेट बनानी है, और ना ही मध्य भाग में आपने स्टोर बनाना है, और ना ही घर के मध्य भाग में आपने किचन बनानी है। घर का मध्य भाग हमेशा ही खुला खाली होना चाहिए, साफ होना चाहिए। पुराने समय में घर के मध्य भाग में जाल रखा जाता था, लेकिन आज के समय को देखते हुए जगह काफ़ी छोटी हो गई है। हर आदमी यही चाहता है कि मेरी अपनी प्राइवेसी बनी रहे, और जब व्यक्ति अपना घर बनाता है तो उसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, जितनी भी मंजिल बनाता है तो उसमें या तो वो फैमिली पूरी ऊपर नीचे करके रहती है, या फिर एक फैमिली नीचे रह रही है, ऊपर वाले फ्लोर पर दूसरी फैमिली है, और उससे ऊपर वाले फ्लोर पर तीसरी फैमिली रह रही है। हर आदमी अपनी प्राइवेसी चाहता है, उसके लिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसकी प्राइवेसी वहाँ से दूसरी जगह पहुँचे। इसलिए घर के मध्य भाग में कभी भी जाल नहीं रखते, इसमें कोई भी दोष नहीं लगता। सिर्फ आपने ध्यान रखना है जो घर का मध्य भाग है उसमें किसी भी प्रकार का ना तो कोई भारी सामान रखना है, और उस एरिए को साफ सुथरा रखना है। और एक बात और कहना चाहूँगा, जब घर बनाते हैं तो उसमें जो पत्थर लगाने वाला मिस्त्री होता है, जो टाइल्स लगाने वाला मिस्त्री होता है, वो घर के मध्य भाग को हल्का सा नीचा कर देता है, यानी चारों तरफ जितने भी कमरे, रसोई, लैट्रिन, बाथरूम जो बने हुए हैं उनसे हल्का सा लॉबी का फर्श नीचा कर देते हैं। ऐसा करने से घर के अंदर वास्तु दोष बन जाता है, और जब भी घर का मध्य भाग नीचा होता है तो हर तरफ से परेशानी लाकर खड़ी कर देता है। जैसे आपके शरीर का पेट का हिस्सा, पेट का भाग मध्य भाग कहलाता है, और जब भी पेट के भाग में कोई भी तकलीफ होती है तो शरीर के अंदर बीमारी आ ही जाती है। ऐसे ही जो आपका अपना घर है, घर का जो मध्य भाग है, यदि वो सही होता है तो आपके घर के अंदर हमेशा खुशहाली बनी रहती है, और घर के मध्य भाग में वास्तु दोष बन जाता है तो परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती है। परेशानी किस रूप में, कितने बड़े लेवल तक पहुँच जाए, ये कहना मुश्किल है। इसलिए आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आपको अपने घर का मध्य भाग बिल्कुल सही रखना है, साफ रखना है। ना तो कोई सीवरेज लाइन होनी चाहिए, ना कोई मेन होल होना चाहिए, ना सेप्टिक टैंक बना होना चाहिए, ना पानी का अंडरग्राउंड टैंक बना होना चाहिए। इस बात का आपने खासतौर पर ध्यान रखना है। यदि आप इन बातों को ध्यान रखते हैं तो ये मान लीजिए आपका घर का मध्य भाग सही होने पर आपके घर के अंदर हमेशा खुशहाली बढ़ती, हर प्रकार का सुख मध्य भाग दे देता है। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।